तरफ राजधानी में हेलो राइड के नाम पर निवेशकों से ठगे हुए पैसों को इन्फिनिटी मार्ट में लगाने वाले ठग अभय कुमार कुशवाहा के खिलाफ मार्ट के कर्मचारियों और वेंडरों ने मोर्चा खोल दिया है। विकास नगर स्थित इन्फिनिटी मार्ट के बाहर कर्मचारियों और वेंडरों ने प्रदर्शन किया और कंपनी के डायरेक्टर्स अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा और निखिल कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही विकास नगर थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी के संदर्भ में तहरीर दी। कर्मचारियों वेंडरों के मुताबिक अभय कुशवाहा फरार है। विकास नगर थाने में तहरीर देते हुए कंपनी के मालिकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई है। हम लोग यहाँ पे विकास नगर थाने पे आए हुए हैं सभी टीम्स के साथ, और यहाँ पे जो भी हमारी एप्लीकेशन थी, जो भी फ्रॉड का केस था अभय कुमार कुशवाहा के अगेंस्ट हम सभी एम्प्लॉयज और वेंडर्स का, तो हमने वो सारी अपनी एप्लीकेशंस यहाँ पे एसओ साहब को प्रोवाइड कर दी है, जिसके अगेंस्ट की प्रॉपरली वर्क किया जाए और एक्शन लिया जाए। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ठग है जो विजय माल्या को अपना आदर्श मानता है। ये वही विजय माल्या है जो भारत का भगोड़ा है और जिस पर लगातार केंद्र सरकार जो है कानूनी तरह से शिकंजा कस रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये विकास नगर का एक इन्फिनिटी मॉल था, जहां पर जो है यहां पर कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन भुगतान से लेकर तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर वो इस समय फरार है। लगभग 1 करोड़ रुपए का आसपास का पूरा मामला निकल के आ रहा है। तमाम तरीके से लोगों को यहां पर दिक्कतें हुई, और साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं ये अच्छी खासी फौज, ये उसी ठग के शिकार लोग हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे किसी को कोई निजात मिल सके। हमारे साथ कई पीड़ित हैं, आइए हम उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई और किस तरीके से अब आप आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये जो मार्ट है ये अभय कुमार कुशवाहा का है। इनका इन्फिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा के नाम से गोमती नगर विभूति खंड ऑफिस है वहाँ पर इनका, और वहाँ पर हम लोग वहीं पर एज ए एम्प्लॉय इनके यहाँ पर एंट्री कर रहे थे। हम लोग का काम था कि भाई इन्फिनिटी मार्ट को चलाना, आगे के लिए वेंडर्स को इकट्ठा करना। तो हम लोगों ने कुछ वेंडर से बात करके यहाँ पे सामान वामान भरवाया, उसके बाद से मालिक लोग फरार हो गए। उनके खिलाफ कुछ घोटाले निकल के आए हैं। हेलो राइड नाम की उनकी एक कंपनी थी जिसका उन्होंने लगभग 100-200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। ये जो 200 करोड़ का जो मामला है, ऐसा ही पता चल रहा है कि वो विजय माल्या को अपना आदर्श मानते, ये किस तरीके की चीजें हैं? बिल्कुल है, उनके ट्विटर अकाउंट में अगर आप जाके देखेंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट में उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि आई लव विजय माल्या। वो विजय माल्या को ही फॉलो करते हैं पूरी तरीके से, और विजय माल्या को अपना आदर्श मान के ही वो नित नए घोटाले करना उनका पेशा हो गया एक तरीके से। ये विजय माल्या गजब, मतलब राजधानी में रह के आई लव विजय माल्या, तमाम तरीके की चीजें, आखिरकार कब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा? हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद, क्या नाम है आपका? अरुण घोष। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? हम लोग को एम्प्लॉई के लिए रखा गया था और कहा गया था कि मार्ट चलाना है आप लोग को, तो उसी हिसाब से हम लोग ने मार्ट में क्या क्या रखना है, क्या क्या चीजें वो सब डिस्कस करने के बाद हमने अलग अलग वेंडरों से माल भरवाया। अब वेंडर को भुगतान तो हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी को करना था, उन्होंने किया नहीं। अब वेंडर हमें कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि हम तो मालिक को जानते नहीं हैं। तो अब ये चक्कर है कि अब हम लोग तो दे नहीं सकते क्योंकि कंपनी की तरफ से भुगतान होना है। तो हम लोग की मांगे हैं कि कंपनी सबका पैसा दे और हम लोग की सैलरी भी दे। तो जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, तमाम तरह से लोगों को यहाँ पर ठगने का प्रयास किया गया और उस पर वो लगभग सफल भी हुए हैं। आइए हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद, उनसे हम जानेंगे किस तरीके का मामला है जो 1 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है, वो किस तरीके से है? ये काम हमने यहाँ पे इंटीरियर का काम करवाया था, ये काम कम्प्लीट हो गया था करीब 1 नवम्बर को। ये 8 महीने से आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, करीब हम लोगों को परेशान कर रखा है। उनके कई बार बात हो चुकी, मगर आजकल में हो रहा है। और आजकल में बातें हुई, दिन निकल रहा है लेकिन हल नहीं निकल रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, वो यहाँ पर काम कर रही थी, उनके साथ भी तमाम तरीके की समस्याएं हुई, दिक्कतें हुई। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। संध्या जी, किस तरीके से आपके साथ जो ठगी हुई और अब आप इसमें क्या करेंगे आगे चल के? तो देखिए, कहने को तो उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं, उनको देने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग पहले भी काफ़ी चीज़ें झेल चुके हैं, अभी भी झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने की सैलरियाँ नहीं दी गई हम लोग की। किसी तरह अगर दिया भी पहले की सैलरी तो ये झांसा दे के दिया गया कि आगे देंगे, अब वो साफ साफ मना कर रहे हैं। तो सर, एक महिला होने के नाते आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। बिल्कुल सही बात है कि महिला होने के नाते बेहद ही समस्याएं होती हैं। ये वो सब लोग हैं जो लगातार अपनी खून पसीने से यहाँ पर काम किया और अब जब पैसा देने का नंबर आया तो वो फरार है। आखिरकार ऐसे फरार लोगों पर कब शिकंजा कसेगा और कब इन लोगों को न्याय मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन विश्वकर्मा के साथ आशीष सिंह, लाइव टुडे, लखनऊ।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष लाइव जुड़ गए हैं। जी आशीष, आपसे जानेंगे जिस तरह से विजय माल्या के एक बड़े प्रशंसक हैं ये अभय कुशवाहा, जिन पर इतने आरोप लग चुके हैं जालसाजी और धोखाधड़ी के, पुलिस कब हरकत में आएगी? देखिए, आज ही जैसे ये मामला निकल के आया, इससे पहले वो लगातार जो है जितने भी इनके पीड़ित हैं उनको वो आश्वासन देते रहे, लेकिन अब स्थिति ये बनी कि उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया, लोगों से संपर्क करना बंद कर दिया। जब ये सब चीज़ें हुई तो जो पीड़ित थे आज उन्होंने मार्ट के सामने जाके अच्छा खासा प्रदर्शन किया और साथ ही साथ सबकी तहरीर जो है वो विकास नगर थाने पहुँचे। हालांकि पुलिस ने इस पर बेहतर संज्ञान लिया और मौके पर इंस्पेक्टर भी वहाँ पर पहुँचे थे, इंस्पेक्शन भी उन्होंने किया, जाँच भी की, लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी, प्रक्रिया तुरंत शुरू हुई है। और साथ ही साथ जो एक जो बड़ी चीज़ निकल के है कि ये अपने आप को विजय माल्या बताते हैं, यानी कि विजय माल्या का जो प्रशंसक है ये अपने आप एक बड़ी बात है, क्योंकि एक भगोड़े का अगर कोई प्रशंसक है तो उससे समझा जा सकता है कि उसकी मनोवृत्ति क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और अब वो किस तरीके से चीज़ें आगे कर सकता है। फिलहाल वो राजधानी में नहीं है, कहाँ है ये किसी को नहीं पता। एक चीज़ और भी निकल के आई है कि पीड़ितों की अगर बात की जाए, उनका ये कहना है कि ये कहीं अब दक्षिण भारत में एक अपना फिर से कोई सेटअप तैयार कर रहे हैं, अब वहाँ के लोगों के ठगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो पूरा सेटअप है ये वो बताया जा रहा है कि लगभग झांसी तक ये इनके पहुँच थी और झांसी तक के लोगों को ये ठग चुके हैं। लखनऊ जैसी जगह में अगर कोई अपने आप को इतना बड़ा ठग बताते हुए इतनी बड़ी स्तर पर कोई चीज़ें कर सकता है तो प्रदेश के अन्य जनपदों में उसके लिए करना ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं। अब स्थिति ये बन गई कि वो अब उत्तर प्रदेश से बाहर जाके दक्षिण भारत में भी ये सब चीज़ें करने का प्रयास कर रहा है। अगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया तो पता नहीं कितने परिवार इसके शिकंजे में फंस के दम तोड़ते नजर आएंगे। जी बिल्कुल जी आशीष, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।